नमस्कार दोस्तों, तो डायमेंसिटी 1080 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और जैसे ही डायमेंसिटी 1080 लॉन्च हुआ है तो रियलमी की तरफ से, शाओमी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि इस बार आपको रियलमी 10 प्रो प्लस और शाओमी का जो रेडमी नोट 12 सीरीज आने वाला है उसमें आपको डायमेंसिटी 1080 देखने को मिलेगा। और मीडिया टी की तरफ से ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो डायमेंसिटी 1080 ये लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 920 उसका डायरेक्ट अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसलिए इस वीडियो हम देखेंगे कि जो डायमेंसिटी 1080 है पिछले बार का डायमेंसिटी 920 के मुकाबले कितना ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने डायमेंसिटी 1080 के साथ ऑलरेडी बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो मैंने बना दिया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और इसे सीपीयू रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। तो ये जो डायमेंसिटी 1080 ये तो बस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर 4 2022 पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो डायमेंसिटी 920 वो आपको पिछले साल के मिडिल पे, मतलब क्वार्टर 3 2021 पे लॉन्च हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली एक साल पहले डायमेंसिटी 920 लॉन्च हुआ था। तो अगर हम दोनों के कोर काउंट की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा 64 बिट्स ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर और दोनों पे जो कोर का स्ट्रक्चर वो आपको मिलेगा 2+6 कोर डिवीजन। इसका मतलब 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर आपको मिलेगा। मतलब इस मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। तो इसके बाद अगर हम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज़ कहा है कि जब हम ऐसे दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे उस टाइम पे जिस प्रोसेसर का नैनोमीटर नंबर दूसरे के मुकाबले कम या फिर ज़्यादा होगा तो उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट दूसरे के मुकाबले बेटर या फिर बेकार होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मामले में दोनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, वो भी ये जो फैब्रिकेशन प्रोसेस वो हमें मिलेगा TSMC ब्रांड की तरफ से। तो इसका मतलब इस मामले में भी दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम और दोनों का ही पावर मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट होगा एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट अगर दोनों के कोर टाइप की अगर बात करें तो इधर दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A78 कोर, उसके साथ 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स A55 कोर मिलेगा। डायमेंसिटी 1080 में ये जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर इसका स्पीड है 2.6 गीगाहर्ट्ज, उसी जगह पे डायमेंसिटी 920 का ये जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर इसका स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज और दोनों पे जो पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर उसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। तो मतलब ये चीज कह सकते हैं कि दोनों प्रोसेसर के जो सीपीयू कोर और जो सीपीयू स्पीड वो है ऑलमोस्ट सेम, बस ये जो डायमेंसिटी 1080 ये आपको 0.1 गीगाहर्ट्ज ज्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो इधर दोनों प्रोसेसर में डुअल चैनल LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट मिलेगा जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2750 मेगाहर्ट्ज और दोनों प्रोसेसर का जो मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ वो आपको मिलेगा एग्जैक्टली 22 GBPS। तो इसका मतलब रैम सपोर्ट में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। और अगर हम दोनों के मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें तो इधर दोनों प्रोसेसर EMMC 5.1 से लेकर मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब मेमोरी सपोर्ट में भी दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम। तो इसके बाद अगर हम दोनों के कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो ये जो डायमेंसिटी 920 इसमें आपको सिंगल कैमरा में 200 मेगापिक्सल तक और डुअल कैमरा में 20 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो डायमेंसिटी 920 इसमें आपको सिंगल कैमरा में 108 मेगापिक्सल तक और डुअल कैमरा में 20 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। मतलब इस मामले में आपको ये छोटा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि डायमेंसिटी 920 का मैक्सिमम सपोर्टेड मेगापिक्सल होगा 108, लेकिन जो डायमेंसिटी 1080 इसमें आपको मॉडर्न जमाने के ट्रेंड के जैसा 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। और अगर दोनों के वीडियो कैप्चर की अगर बात करें तो दोनों पे आपको मैक्सिमम 4K वीडियो 30fps पे और फुल HD वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा और दोनों पे जो 720p स्लो मोशन वीडियो वो किस रिकॉर्डिंग पे मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इसके बाद अगर दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा और जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। मतलब डिस्प्ले सपोर्ट में भी दोनों एग्जैक्टली सेम। और इसके बाद अगर दोनों के नेटवर्क सपोर्ट की अगर बात करें तो डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 920 दोनों पे आपको 5G में डाउनलोड स्पीड मिलेगा 2.77 GBPS, दोनों पे आपको MMI 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों पे आपको sub 6 GHz 5G का ऑप्शन आपको मिलेगा। और इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई मतलब 2.4 और 5 GHz दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर दोनों के नेटवर्क रिलेटेड कुछ बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो दोनों पे मिलेगा ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन और नेविक का सपोर्ट, नेविक मतलब इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम। तो इस मामले में भी आप देख सकते हैं नेटवर्क के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो कि ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन इस मामले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको मिलेगा माली G68 MC4 क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड, मतलब ये क्वाड कोर वाला ग्राफिक्स कार्ड है और जिसका फ्रीक्वेंसी है 950 MHz। और अगर हम दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू AnTuTu GPU स्कोर दोनों का इधर स्कोर है 140,000 के आसपास, और सेंचुरियन GPU में भी दोनों का स्कोर है 110 से लेकर 114 के बीच में। इसका मतलब ग्राफिक्स के मामले में दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे का कॉपी। और अगर हम दोनों के AnTuTu स्कोर की अगर बात करें तो जो Dimensity 1080 इसका AnTuTu वर्षन 9 में स्कोर होगा 520,000 के आसपास, लेकिन उसी जगह पे Dimensity 920 का AnTuTu वर्षन 9 में स्कोर है 505,000 के आसपास, मतलब दोनों के बीच में बस थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस आपको मिलेगा। और इसके बाद फाइनली अगर हम दोनों के गीग में स्कोर की अगर बात करें तो Dimensity 1080 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 830 के आसपास, उसी जगह पर Dimensity 920 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 817। और मल्टी कोर की अगर बात करें इधर Dimensity 1080 ने स्कोर किया है 2300 के आसपास और Dimensity 920 ने इधर स्कोर किया है वही 2300 से थोड़ा सा कम। तो अब बार इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो जैसे कि हमने देख लिया होगा कि Dimensity 1080 ऑलमोस्ट Dimensity 920 के जैसा ही है, लेकिन ब्रांड ने तो कहा था कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस मिलेगा, तो एक्चुअली कहां पर डिफरेंस मिलेगा, तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, तो इस Dimensity 1080 में जो दो डिफरेंस मिलेगा वो एक्चुअली है 0.1 GHz ज़्यादा CPU स्पीड आपको मिलेगा कम्पेयर टू Dimensity 920, और इसमें आपको 200 MP का कैमरा सपोर्ट मिलेगा, मतलब ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपग्रेड है। तो मतलब इस जगह आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। MediaTek वालों ने ये चीज़ जो कहा है कि Dimensity 920 का एक डायरेक्ट सक्सेसर होगा Dimensity 1080, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हाँ थियोरटिकली अपग्रेडेड वर्षन है, क्योंकि Dimensity 920 में Dimensity 1080 के मुकाबले कोई अपग्रेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो Dimensity 1080 हम इसे कोई प्रॉपर वाला अपग्रेड नहीं कह सकते, मतलब 0.01 GHz ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करना और 108 MP के बाद 200 MP का कैमरे का सपोर्ट देना, हम इसे किसी भी हालत में अपग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो मतलब इधर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों के पास अभी करेंटली Dimensity 920 वाला स्मार्टफोन है, अगर वो लोग सोच रहे कि Dimensity 1080 में कुछ मेजर अपग्रेड मिलेगा तो बिल्कुल भी नहीं, इसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली Dimensity 920 के जैसा ही होगा। तो अभी आप मुझे कॉन्सेप्ट जरूर बताना कि अब इसके बाद Dimensity 1080 के साथ और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कॉन्सेप्ट कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।